हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में जो भी आपकी सभी स्टूडेंट स्कॉलरशिप से संबंधित योजना आती है, मैं आपके लिए उन्हें टाइम पर लेकर आता हूँ। लेकिन दोस्तों अब यहाँ से बात करता हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप सभी के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चालू की जाती हैं, जैसे कि स्टूडेंटों के लिए DBT बाउचर योजना, स्कॉलरशिप है, या छात्रवृत्ति जो भी मिल रही है, कालीबाई स्कूटी योजना, सभी योजनाओं की जानकारी मैं आप सभी के लिए टाइम पर लेकर आता हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपके लिए जो DBT बाउचर योजना है उसकी लास्ट डेट आज ही की है। तो दोस्तों अगर आपने ये जानकारी कंप्लीट नहीं देखी है तो इसे देख लेना, और आपने अगर अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ फॉर्म को भी अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों DBT योजना में आप सभी के लिए पर मंथ के 2,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से आप सभी को दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपके लिए क्यों दिए जा रहे हैं या फिर आपको 2,000 रुपये पर मंथ लेने हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कंप्लीट जानकारी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बात करते हैं जो भी डिटेल है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों DBT बाउचर योजना क्या है, आप किस प्रकार इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है इसके अंतर्गत, और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने इसका फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ इसकी लास्ट डेट आज है, इसलिए मैं आपके लिए ये अपडेट लेकर आया हूँ। तो चलिए क्या डिटेल है कम्प्लीट वीडियो के अंदर बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, मैं सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करता हूँ और आपको इसमें जब टाइप करना है SJ स्कॉलरशिप पोर्टल को, दोस्तों न्यू स्कॉलरशिप पोर्टल को यहाँ से ओपन करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको इसको स्क्रॉल करना है और होम पेज पर अगर आप यहाँ से आते हैं तो आपको यहाँ से इसको क्रॉस कर देना है। अब दोस्तों यहाँ से देखिए जो ये न्यूज आ रही है अपडेट, इसको यहाँ से ओपन करके रखना है और आपको मोर न्यूज पर आना है, और इसको मोर न्यूज पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको जो DBT बाउचर योजना का जो यहाँ पर न्यूज अपडेट है वो यहाँ से आपको शो होने लग जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको जो भी योजना है गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है, इनमें आपको DBT बाउचर योजना का ऑप्शन इसमें आएगा। तो यहाँ से देख लीजिए 22 नंबर पर DBT बाउचर योजना की स्कीम है। अब आपको यहाँ से इसे डाउनलोड करना है, इस प्रकार ये डाउनलोड हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें देखिए, आप जो भी स्टूडेंट हैं जो अपने घर किसी अन्य स्थान पर रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पर उन्हें भोजन, आवास, बिजली इत्यादि की सुविधाओं के पुनर्भरण के लिए राजस्थान सरकार अम्बेडकर DBT बाउचर योजना के अंतर्गत छात्रों द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश से मार्च तक 2,000 रुपये प्रति माह प्रति वर्ष अधिकतम 10 माह हेतु दी जाती है। तो दोस्तों इसमें योजना में लाभ कौन कौन ले सकता है, ST, SC, OBC, MBC, EWS एंड मिनिट्री के छात्र जो राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक या स्नातकोत्तर कक्षा में नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप सभी कोई भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आप किसी भी कैटेगरी के छात्र हैं तो आप ये इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको SSID के माध्यम से DBT बाउचर योजना का फॉर्म अप्लाई करना होगा। अब इसमें आप सभी देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज अलग अलग तरीके से पैसे यहाँ पर दिए जाते हैं, और आप अधिक जानकारी के लिए इसमें वेबसाइट SJ स्कॉलरशिप वाले पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, SSID के माध्यम से आवेदन करना होता है। योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय के द्वारा DBT के माध्यम से आपके खाते में जो राशि है वो भुगतान की जाएगी, और इसमें भुगतान की प्रक्रिया प्रत्येक माह रहेगी। और योजना के अंतर्गत सबसे ज़रूरी बात यह है कि योजना के अंतर्गत दिनांक है जो आवेदन की 31/8/2023 है, जो आवेदन पत्र आवेदन किए जाएंगे। इसलिए मैं आपको ये न्यूज़ लेकर आया था कि इसकी आज लास्ट डेट है। अगर कोई भी छात्र ऐसा है जो फॉर्म अप्लाई करना चाहता है और अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट अब नेक्स्ट आगे बढ़ने वाले नहीं है, तो अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो प्लीज़ फॉर्म को अप्लाई कर देना है। और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके, मैसेज करके, जो भी है आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको और अलग से बता दूंगा। तो इसलिए दोस्तों आप सभी को अगर ये चीज़ देखनी है तो आज ही आपको ये फॉर्म अप्लाई करना होगा और इसकी अधिक जानकारी देख लेनी है यहाँ से। तो चलिए दोस्तों कंप्लीट डिटेल आपके समझ में आ गई होगी, तो प्लीज़ फॉर्म को अप्लाई कर देना है दोस्तों, ताकि आपको घर बैठे इस सभी के लिए खर्च है जो रहने का, खाने का, जो भी इसमें गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है वो आप सभी छात्रों को मिल जाएगा।
और इसी प्रकार की अन्य जानकारी अपडेट के लिए आप सभी को हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।